हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 21 इच्छा पूर्ति पढ़ेंगे। इच्छा पूर्ति, इच्छा करता होता है हमारे मन की जो भी बातें होती है ना, इच्छाएं होती हैं, उसको पूरा करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, इच्छा पूर्ति। पूर्ति मीन्स पूरा करना। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि खाली स्थान भरो, यानी कि पूरे करो। पूर्ति का अर्थ वही होता है। अब कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, हम इसे पढ़ेंगे और पूरा पाठ भी पढ़ेंगे। कमजोर, जो कमजोर होता है, वीक। क्रिकेट खेल है। छलांग कूदना, जैसे छलांग लगाते हैं। शोरगुल, बहुत शोर करना। सर्दी जुकाम, किसी को खांसी सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो सर्दी डैश फिर जुकाम। व्याकरण, ग्रामर कहते हैं जिसे। प्रार्थना, प्रा फिर र, ये वाला बोलेंगे प्रार्थना। दो बार है, एक तो प के साथ र बोलेंगे, पैर में है प्र, आ की मात्रा प्रा फिर र, थ ना, प्रार्थना। यह है प्रणाम, प्रणाम नमस्कार करना, नमस्ते करना। अब पाठ को पढ़ेंगे ध्यान से। सुबल चंद के बेटे का नाम था सुशील चंद। नाम कुछ भी दिया जाता है, हमें ध्यान से पढ़ना है कि पाठ में क्या कहा गया है, ठीक है ना। सुबल चंद है, उसके बेटे का नाम है सुशील चंद। लेकिन नाम के उल्टे सुबल चंद काफी कमजोर थे और सुशील चंद बिल्कुल सुशील नहीं था। सुबल, सुबल क्या होता है, जिसके पास पूरा अच्छा बल हो। सुबल यानी कि बिल्कुल उल्टा हो गया, यानी कि वो तो निर्बल है। निर्बल क्या लिखा है, कमजोर थे। और सुशील क्या होता है, जो बिल्कुल साधारण हो, विनम्र हो, है। तो सुशील चंद बिल्कुल सुशील नहीं था, यानी कि वो चंचल था। उस दिन शनिवार था, पर सुशील चंद का स्कूल जाने का मन नहीं था क्योंकि बोस बाबू के घर शाम को क्रिकेट मैच था। कोई भी नाम दिया गया, बोस बाबू होंगे जो उनके वहां रहते होंगे, उनके घर शाम को क्या था, क्रिकेट का मैच था। बहुत सोच विचार के बाद स्कूल जाने के समय सुशील पेट दर्द का बहाना करके लेट गया। सुबल चंद सुशील की चाल समझ गए। सुबल चंद कौन थे, सुशील के पिताजी। उसे सबक सिखाने के लिए बोले, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप लेटो, मैं काढ़ा बनाकर लाता हूँ। यह कहकर वह बाहर निकल गए। सुशील मुश्किल में पड़ गया। काढ़ा पीने में उसकी जान जाती थी। काढ़ा क्या होता है, दवाइयों जो को उबाल कर जो उसका रस निकाला जाता है, उसे कहते हैं काढ़ा। जैसे ही सुबल बाबू काढ़ा लेकर आए, सुशील झटपट उठ बैठा और बोला, पिताजी मैं अब ठीक हूँ, अब मैं स्कूल जाऊँगा। सुबल चंद बोले, नहीं आज स्कूल बिल्कुल मत जाना, काढ़ा पीकर चुपचाप लेट जाओ। उन्होंने सुशील को जबरदस्ती काढ़ा पिलाया और कमरा बंद करके निकल गए। कमरे में बंद सुशील मन ही मन सोचने लगा, अगर मेरी उम्र पिताजी के समान हो जाए तो मेरी मर्जी में जो आएगा वही करूँगा। यानी कि छोटा बच्चा जो है वो क्या सोचने लगा कि मेरी उम्र जो है पिताजी के समान हो जाए, यानी कि उनके बराबर मैं बड़ा हो जाऊं। उधर सुबल चंद सोच रहे थे, अगर मेरा बचपन लौट आए तो मैं खूब पढ़ूं। तो यानी कि सुबल चंद क्या सोच रहे थे, जो उसके पिता थे सुशील चंद के, वो सोच रहे थे कि अगर मेरा बचपन लौट आए तो मैं खूब पढ़ूं। ठीक उसी समय इच्छाओं की देवी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन दोनों की इच्छा पूरी कर दी जाए। अगले दिन बूढ़े सुबल चंद सुबह होते ही छलांग लगाकर बिस्तर से उठ गए। उन्होंने देखा वह छोटे हो गए हैं, चेहरे से दाढ़ी मूछ गा सब गायब है। रात में पहने कपड़े इतने ढीले हो गए कि चलना मुश्किल था। यानी कि जो पिताजी थे वो बच्चे बन गए और जो बच्चा था वो पिताजी बन गए, इस कहानी में ये दिखाया गया, बताया गया है। और इधर जब अपने पिता सुबल चंद के शोरगुल से सुशील चंद की नींद खुली तो देखा कपड़े इतने छोटे हो गए हैं कि फटने वाले हैं। उसका शरीर बड़ा हो गया था। बाप बेटे दोनों की इच्छा पूरी हो गई।
पर जो सुशील बड़ा और स्वतंत्र होना चाहता था, उस दिन पेड़ पर चढ़ने का उसका मन नहीं हुआ। यानी कि जो बड़ा हो गया था, बाप बेटे दोनों की इच्छा की पूर्ति हो गई। सुशील बड़ा हो गया और स्वतंत्र यानी कि आजाद होना चाहता था। जिस आंवले के पेड़ पर वह गिलहरी की तरह चढ़ जाता था, कौन? सुशील। आज उस पर लटकने के साथ ही धम से जमीन पर गिर गया। सड़क पर गुजरने वाले लोग उसे बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ते देख हंसने लगे, क्योंकि वो था तो बच्चा ही, लेकिन कद में बड़ा हो गया पिता की तरह। वह चटाई बिछाकर चुपचाप लेट गया। उधर पिता सुबलचंद, जो ये सोचते थे कि सारा दिन कमरा बंद करके सिर्फ पढ़ूंगा, उनका स्कूल जाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब बूढ़ा सुशील चंद उनसे स्कूल जाने के लिए कहता और बच्चा सुबलचंद पेट दर्द का घिसा पिटा बहाना बनाता। खाने के मामले में भी सुशील बड़ा कड़क निकला। वह अपने पिता को किसी भी हालत में ज्यादा खाना नहीं देता था। कितना अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। यानी कि जो बेटा था वो तो पिता बन गया, अब जो पिता था वो बेटा बन गया। उधर सुबलचंद को इतनी भूख लगती थी कि पत्थर मिलने पर भी वे उसे पचा सकते थे। कम खाना मिलने के कारण वे बीमार पड़ गए। बूढ़ा सुशील उनकी सेहत सुधारने के लिए उन्हें दवा पर दवा पिलाने लगा, लेकिन परेशानी केवल वही नहीं थी, बूढ़ा सुशील भी काफी बहुत परेशान था। यानी कि सुशील क्या था, बच्चे से बूढ़ा बन गया था। पहले सर्दी हो या बरसात, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर खेलने पहुंच ही जाता था, किंतु आज बूढ़ा सुशील जब वही करने गया तो उसे सर्दी जुकाम हो गया। 3 हफ्ते तक वह बिस्तर पर पड़ा रहा। अब दोनों ही अपनी अपनी उम्र में पहुंचने की प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर इच्छा की देवी आई और बोली, क्यों, तुम लोगों का शौक पूरा हो गया? दोनों देवी को प्रणाम कर बोले, माँ हमें पहला जैसा ही बना दो। दूसरे दिन दोनों उठे तो पहले जैसे ही थे। पिता सुबलचंद भारी आवाज में बोले, सुशील व्याकरण का पाठ याद नहीं करोगे? सुशील सिर खुजरा कर बोला, पिताजी मेरी किताब खो गई है। तो यानी कोई बहाना बना दिया। तो इस तरह से ये कहानी क्या है, इच्छा पूर्ति होता नहीं है, ये कहानी ही है आपके लिए। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। शब्द अर्थ है और प्रश्न उत्तर। सेहत, सेहत का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य। शौक, पसंद। सुशील, सरल। घिसा पिटा, पुराना। प्रार्थना, निवेदन। काढ़ा, औषधियों को उबाल कर निकाला गया रस। अब ये ओरल प्रश्न है जो अपने आप कीजिएगा, लिखित प्रश्न मैं करवा रही हूँ आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुशील चंद स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? सुशील चंद स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि बॉस बाबू के घर शाम को क्रिकेट का मैच था। सुशील मन ही मन क्या सोचने लगा? सुशील मन ही मन सोचने लगा, अगर मेरी उम्र पिताजी के समान हो जाए तो मेरी मर्जी में जो आएगा वही करूंगा। इच्छा की देवी ने सुबलचंद और सुशील चंद की कौन सी इच्छा पूरी कर दी? इच्छा की देवी ने सुबलचंद और सुशील चंद की पहले जैसा बनने की इच्छा पूरी कर दी। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थिति में समान रहना चाहिए। यानी कि जैसी भी स्थिति हो, हम बचपन में हैं तो बचपन में ही रहें, बड़े हो गए हैं तो बड़ों की तरह वर्क करें, और हर स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, हमें समान रहना चाहिए। अगला प्रश्न 2 है। दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। सुबलचंद कैसा था, बलवान, कमजोर या सामान्य? कमजोर था। नाम तो उसका सुबलचंद था, क्या था? कमजोर। किस दिन सुशील चंद को स्कूल जाने का मन नहीं था? रविवार को, शनिवार को या सोमवार को? शनिवार को। क्रिकेट का मैच था बोस बाबू के घर, शनिवार।
किसके दाढ़ी मूछ गायब हो गए, सुशील चंद के, सुबल चंद के या दोनों के? क्योंकि सुशील चंद तो बेटा है, सुबल चंद बड़ा था, तो दाढ़ी मूछ किसके गायब हो गए? सुबल चंद के। बाप बेटा दोनों किससे अपनी अपनी उम्र में पहुंचने की प्रार्थना करने लगे, शंकर जी से, अपने इष्ट देव से या इच्छा की देवी से? इच्छा की देवी से यहाँ टिक करेंगे। किसने किससे कहा, दो उत्तर लिखने हैं। पिताजी मैं अब ठीक हूँ, किसने कहा? सुशील चंद ने। किससे कहा? सुबल चंद से। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लेटो, किसने कहा? पिताजी ने। किससे कहा? पुत्र से। क्यों ना इन दोनों की इच्छा पूरी कर दी जाए, किसने कहा? इच्छा की देवी ने। किससे कहा? स्वयं से, यानी कि अपने आप से। क्या तुम लोगों का शौक पूरा हो गया है, किसने कहा? इच्छा की देवी ने। किससे कहा? पिता तथा पुत्र से, दोनों से कहा। पिताजी मेरी किताब खो गई है, किसने कहा? सुशील चंद ने। किससे कहा? सुबल चंद से। जब हम पाठ पढ़ते हैं तो हमें ये सारे वाक्य अपने आप समझ में आ जाते हैं। अब भाषा व्याकरण का काम करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। रात, रात को हम क्या कहते हैं? रात्रि भी कहते हैं और निशा भी कहते हैं। शरीर को तन भी और काया भी। बेटे, बेटा, बेटा को क्या कहते हैं? सुत या पुत्र। पेड़ को वृक्ष और तरु। नीचे दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण होते अक्षर, विच्छेद मीन्स उन्हें अलग अलग करना। स, जब हम स पूरा लिख रहे हैं ना तो उसमें हलंत लगा हुआ है, तो उसमें क्या जमा होता है? तो जैसे यहाँ उ की मात्रा है स, फिर उ की मात्रा सु बन गया, फिर ये श है, फिर ई की मात्रा, फिर ल। जब कोई मात्रा नहीं होती तो बीच में फिर हम क्या जोड़ते हैं? अ, क्योंकि सु में उ की मात्रा है, शी में ई की मात्रा है, ल में कोई भी मात्रा नहीं है, तो हलंत लगा हुआ है, तो उसके बाद क्या आया? अ। इसी तरह से आप देखेंगे जब आधा अक्षर होगा तो उसमें अ नहीं लगेगा। जैसे स यहाँ पर मैंने हलंत लगा के लगाया, यानी कि आधा है। सुशील, स उ क्या बन गया? सु, श फिर ई, शी, ल। तो ल में हमने अ क्यों जोड़ा? क्योंकि ल खाली है। बिस्तर, ब, ब में ई की मात्रा लगाई छोटी, बी बन गया, स आधा ही है इसलिए हमने अ नहीं लगाया, क्योंकि यह स आधा है। त, त पूरा है, त में क्या लगा? अ। फिर र भी पूरा है, र में क्या लगा? अ। हलंत लगा कर लिखने हैं इनको, विच्छेद करना, अलग अलग करके लिखना है। बिस्तर को किस तरह से अक्षरों को अलग अलग करके लिखेंगे। व्याकरण, व्याकरण में व आधा है, तो हमने लिखा हलंत लगाकर व जमा य, य में क्या है? आ की मात्रा, क्या बन गया? व्या। फिर क, क में कोई भी मात्रा नहीं है, क, फिर उसमें जमा किया र, र में फिर जोड़ा अ, फिर न में फिर अ, इस तरह से क्या बन गया? व्याकरण। परेशान, प, प में क्या आएगा? अ, प में हलंत लगा जमा अ, फिर र में ए की मात्रा रे, श में आ की मात्रा शा, फिर न में हलंत है अ, परे शान। अलग अलग करके हमने इस तरह से ये इनको विच्छेद कर दिया। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम को रेखांकित करके लिखिए कि वे कौन सा भेद है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं, तुम, आप, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है? सर्वनाम। हमने इनको रेखांकित किया और फिर बताना है कि कौन सा है। तुम्हें, मैं बोलते हैं तो क्या होता है? एकवचन। तुम्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम है। मैं जो होता है, मैं, हम, तो क्या होते हैं? मैं एकवचन और हम बहुवचन, तो मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अगर मेरा बचपन लौट आए तो मैं खूब पढ़ूंगा। मैं, मेरा, हम, ये मेरा भी एक वचन, मैं भी एक वचन, दोनों को हमने अंडरलाइन किया।
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप, चाहे तुम्हें कहें या आप कहें, यहाँ आप तुम्हें आया था, तुम, तुम्हें, आप, तो ये क्या है? मध्यम पुरुष। आप हमें पहला जैसा बना दें, आप क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ अगला प्रश्न है, पाठ में से 5 विशेषण और 5 विशेष्य शब्द छांट कर लिखिए। जैसे कमजोर आया है, कमजोर विशेषण है बूढ़ा, भारी, कड़क, छोटे, ये क्या है? विशेषण है। और विशेष्य क्या होते हैं? जिनके बारे में कहा जाता है। तो सुबल चंद कौन है? विशेष्य, यानी कि सुबल चंद को क्या बताया गया है? कमजोर, कमजोर विशेषण है। बूढ़ा कौन है? बना सुशील। ठीक है, भारी आवाज, कड़क सुशील, छोटे कपड़े। तो यहाँ पर हमने विशेषण लिख दिए हैं और यहाँ विशेष्य लिखे हैं जिनके बारे में बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने सारा अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करना है, प्रश्न उत्तर शब्द, और ये सारा अभ्यास करें अपनी कॉपी में करें। एक पार्ट और रह गया, वो आपको अगले टर्न में करवाएंगे और सिलेबस फिर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।